सुजानगढ़ सूचना में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवरात्रा के दौरान शहर में अनेकों स्थानों पर चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सवों में इन दिनों मां दुर्गा के जयकारे गूंज रहे हैं और देर रात्रि तक पंडालों में भजनों से शहर भक्तिमय हो रहा है। ऐसे में राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति लोगों के बीच न पहुँचे ये नहीं हो सकता। इसी के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओएसडी रह चुके बीएल भाटी भी गत रात्रि को सुजानगढ़ दौरे पर रहे। भाटी ने अपनी टीम के साथ भोजलाई रोड पर चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव में भाग लिया, जहां उनका साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इसी प्रकार वाल्मीकि बस्ती में रॉयल ग्रुप द्वारा आयोजित किए जा रहे दुर्गा पूजा महोत्सव में भी बीएल भाटी ने शिरकत की। उनके साथ छात्र संघ के अध्यक्ष बनवारी लाल स्वामी, केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भूमाराम बिजानिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बीएल भाटी सहित अनेक नेताओं का भाजपा नेता गंगाधर लाखन, छात्र नेता रह चुके राहुल सामरिया, संजय घारू, निखिल आर्य, विजय धवल, हरिशंकर सियोता, चैन रूप सियोता, मामराज जावा, सुनील तेजस्वी, विश्वनाथ, मिथुन आदि ने माला पहनाकर स्वागत किया। बीएल भाटी मां दुर्गा की भव्य आरती में शामिल हुए और लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। खास बात यह रही कि जो ही बीएल भाटी ने पंडाल में प्रवेश किया तो मंच संचालक ने उन्हें भावी एमएलए कहकर संबोधित किया, तो भाटी ने स्वयं माइक हाथ में लेकर कहा कि मैं धार्मिक कार्यक्रम में आया हूँ, इसे राजनीति से मत जोड़िए। उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू हुआ। आप भी देखिए क्या क्या हुआ इस दौरान और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ।
राजस्थान सरकार के ओएसडी थे और अभी अपनी सरकारी सेवा को सरकारी सेवा को स्वैच्छिक सेवा नेतृत्व देकर जनता के बीच में रहने का उन्होंने फैसला किया। इस फैसले के लिए मैं जोरदार से ताली से स्वागत करता हूं और भाटी साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने मुख से आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जिस आत्मीयता से और जिस अपनत्व से आपने माँ के दरबार में मेरा सम्मान किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे परिवार के बीच में रहा हूँ और परिवार में मैं अपना आपको खड़ा पाके बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। जिस आत्मीयता से और जिस एक अपनेपन के भाव से आपने मुझे यहाँ बुलाया और माँ की आरती में भी मेरी हिस्सेदारी करवाई, मैं दुआ करता हूँ माँ दुर्गा से, दुआ करता हूँ कि आप सबके परिवार में सुखद जाए, आप सारे स्वस्थ रहे। ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं इसकी इसी कर रहे हैं, इनकी आवाज हमेशा बुलंद रहे, हमेशा ही चहकते रहे, घर आंगन में बाहर आती रहे, शांति रहे, प्रेम बचा रहे और हमारा घर परिवार समाज देश आगे बढ़े। इन्हीं कामना के साथ मैं मानवीय करता हूँ कि आने वाले वर्ष आने वाले साल आपके परिवार में बहुत बहुत सारी लेकर आए, सबको पुनः बहुत बहुत I'm gonna go